नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो आज हम 10th क्लास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में जो 3 सवाल है उसका पहला हल करने जा रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी एक अलग प्रकार से सवाल है। मैंने अभी आपको तीनों सवाल कराए हैं, तीनों ही अलग अलग प्रकार के हैं। थोड़ा ने कुछ नहीं, थोड़ा ही नहीं अलग होगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमारा कोर्स 10th का है, वो NCERT हो चुका है, लेकिन इसमें कितने फर्स्ट चैप्टर में कितनी 4 प्रश्न वाली हैं। तो इसमें चारों में अलग ही अलग सवाल देखे होंगे आपने, और पहले अपनी आपने अगर मैथ देखा होगा तो उसमें 8-8, 9-9 प्रश्न वाली होंगी। लेकिन अब की बार क्या 4 प्रश्न वाली हैं और कम सवाल हैं, 3-3, 4-4 सवाल हैं, लेकिन वो अलग अलग विधि से सवाल करने के लिए कह रहा है। तो इसकी थोड़ा नहीं कि अलग विधि से होगा, लेकिन हर सवाल में कॉमन ये है कि इसमें हम अपरिमेय संख्या की जगह क्या मानेंगे, विरोधाभास नियम के अलावा परिमेय संख्या मान लेंगे। और जैसे हम सवाल के हिसाब से आगे चलते जाएंगे। तो देखते हैं, दिया है हमको सवाल, लिया था हमने सॉल्व में लिख दिया। सिद्ध करना है कि जो हमें हल करेंगे ना तो ये लिखना पड़ेगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लिखते हैं रूट अपरिमेय संख्या, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसका उल्टा मान लिया परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका उल्टा मान लिया परिमेय संख्या है। जब हमने परिमेय संख्या माना है इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, क्योंकि ये इसका व्यंजक होता है। यहाँ पी एवं क्यू सह आवाज से आवाज, यहाँ पी एवं क्यू विभाजित नहीं होंगे, यहाँ पी एवं क्यू से आवाज संख्या है, और क्यू बराबर क्यू का मान क्या 0 नहीं होगा, 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, क्यू का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये लिख लिया, और आप यहीं पर हम त्रिज्या गुणा कर देते हैं इसका, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, है ना, ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे क्या आएगा, इसका इसमें करेंगे तो क्यू आ गया, है ना, और इसका करेंगे तो √2P आ गया। इसका इसमें कर रहे हैं तो कुछ नहीं क्यू आ गया, और इसका इसमें करेंगे तो √2P आ गया। अब हम क्या कर देंगे, हमें यहाँ से और कुछ सॉल्व करने का नहीं दिख रहा, इसलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हमने क्या लिख दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्यू का वर्ग 1 बराबर इक्वल टू 2P का वर्ग, ठीक है। इसका करेंगे तो यही आएगा क्यू स्क्वायर, इसका करेंगे तो √2 × √2P² ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर इसका इसमें करेंगे तो रूट से रूट कट जाएंगे, क्या आएगा 2P² अब हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ 2 एवं P² एक दूसरे के गुणज हैं, इनटू में दिख रहा है एक दूसरे के गुणज हैं, जो किसको क्यू स्क्वायर को विभाजित करते हैं, जो क्यू स्क्वायर को विभाजित करते हैं। आप विभाजित कैसे कर रहे हैं, मान लीजिए क्यू स्क्वायर का मान 6 है, ठीक है। क्यू स्क्वायर का मान क्या है, 6 है, और यहाँ पर 2 का मान ये 2 दिया है, और पी का मान मान लीजिए 3। अब देखो 2 इससे विभाजित हो रहा है और 3 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्यू स्क्वायर विभाजित कर रहे हैं दोनों संख्या को। इसका मान हमने मान लिया है, ऐसी संख्या आएंगी, ठीक है, मान लिया 6 है, तो ये 2 से विभाजित होगा और पी से विभाजित होगा, ठीक है। हमने वही लिख दिया यहाँ क्यू स्क्वायर एक तो ये हमने लिख दिया यहाँ टू एवं पी स्क्वायर एक दूसरे गुणज हैं, यहाँ पर एक दूसरे गुणज हैं जो किसको क्यू स्क्वायर को विभाजित करते हैं, ये यहाँ पर विभाजित करते हैं। लेकिन जबकि पी एवं क्यू क्या है, सहवाज संख्या है, इसमें परिमेय हमने माना तो क्या होती है, सहवाज संख्या, जबकि पी एवं क्यू सह आभाज सहवाज संख्या है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अतः हमारी कल्पना
गलत सिद्ध हुई, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या है अपरिमेय संख्या, जो हमने कल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या होगी वो भी हमारी गलत सिद्ध हुई, तो हम वहीं वापस आ जाएंगे कि ये एक परिमेय संख्या। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अधिक से अधिक कमेंट करें, और आप बताएं कि आपको कौन सी किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।